तो वहीं दिल्ली के एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम में कोलकाता में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांगे मानने की बात कही गई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डॉक्टरों की मांगे नहीं मानने पर बेमियादी हड़ताल की चेतावनी भी दी है। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में दिल्ली के 14 अस्पतालों में डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय, हिंदूराव और गुरु तेग बहादुर समेत 14 अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि एम्स के डॉक्टर हड़ताल पर नहीं है, लेकिन वो काली पट्टियां और बैच पहनकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की मारपीट के बाद पश्चिम बंगाल में चल रहा हड़ताल अब देशव्यापी हड़ताल बन चुका है। देश भर के डॉक्टर्स का समर्थन पश्चिम बंगाल के हड़ताली डॉक्टर्स को मिल रहा है। दिल्ली के भी बड़े बड़े अस्पतालों का समर्थन पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स को मिल रहा है। हम इस वक्त हिंदू राव अस्पताल में मौजूद है और हिंदू राव अस्पताल में आज भी स्ट्राइक है रेजिडेंशियल डॉक्टर्स का। यहाँ पर भी इमरजेंसी वार्ड को छोड़कर सभी वार्डों में हड़ताल है, सभी सेवा बंद है। आप देख सकते हैं सभी रेजिडेंशियल जो डॉक्टर्स है वो इस वक्त हड़ताल पर खड़े हैं। तमाम पोस्टर्स लेके कोलकाता के डॉक्टर्स के समर्थन में, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स को पीटा गया था। साथ ही एक शख्स है जो लेकर खड़े कि माय नेम इज डॉक्टर राहुल चौधरी एंड आई एम नॉट द टेररिस्ट। ये इस तरह का पोस्टर क्यों? मैडम, वेस्ट बंगाल में जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, वो लोग हमारे पे पत्थर फेंक रहे हैं, लोहे की रोड से पीटा जा रहा है, जस्ट लाइक ए टेररिस्ट एक्ट। तो हम सब लोगों को बता रहे, वी आर द सेवियर्स, हम टेररिस्ट नहीं है, हम भी एक आम इंसान है, हम गॉड नहीं है, हमें भी जीने का है, जियो और जीने दो। तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी यही डिमांड है, वेस्ट बंगाल के जो डॉक्टर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो और सारे डॉक्टर्स के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। पूरे इंडिया भर के अंदर डॉक्टर जो भी एम्प्लॉय वर्क करे वो अपने वर्क एनवायरमेंट में सेफ और सिक्योर फील करे। अच्छा, आपने इमरजेंसी वार्ड छोड़कर सभी वार्ड सेवा को बंद किया हुआ है, मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा आप सरकार और डॉक्टर्स की जंग में? मरीजों के लिए ही हमने इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं करी है, उनको ध्यान में रखते हुए हमने इमरजेंसी सर्विसेज ओपन रखी हुई है। कोई भी मरीज जिसको ओपीडी में आना है वो अभी भी आज भी इमरजेंसी में जाके अपनी एक्यूट प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवा सकता है। लेकिन मरीजों को भी हमारे लिए थोड़ा बहुत तो समझने की जरूरत है, इसी के लिए हमने अपने इमरजेंसी सर्विसेज ओपन रखी है, ओनली ओपीडी एंड रूटीन सर्विसेज बंद करी है। तो जाहिर तौर पर डॉक्टर्स की मांग है कि डॉक्टर्स को जल्द से जल्द सुरक्षा